गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रकाश सर, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे आई एम विद डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉर क्लास 8। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर और दिस टॉपिक, वी हैव टू नो व्हाट इज एडजेक्टिव। सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड अबाउट एडजेक्टिव, व्हाट इज इट एंड हाउ इट qualifies a noun or pronoun, right? So you know very well that adjective is the quality of a noun. So whenever we discuss and we tell the quality of something, so this quality can be compared with others. According to this, adjectives are compared in three ways, called positive, comparative and superlative. These are called degrees of comparison, or comparative degree, positive degree, comparative degree and superlative degree, right? So degree of comparison, so we compare the adjective or quality of a noun in three ways. First is positive degree. But what is a positive degree? And when we say that this adjective is in positive degree, so you can say the positive degree, the positive degree is the simple form of the adjective it is used when no comparison. When no comparison is intended. When no comparison is intended. So जब कभी भी कोई comparison नहीं किया जा रहा है, comparison नहीं किया गया है, तब वो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में होता है, राइट? जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल तुम कह सकते हो कि जैसे कि अमर इज अ स्ट्रॉन्ग, अमर इज अ स्ट्रॉन्ग, या इसे हम कह सकते हैं क्या कि यह जो कंपैरिजन है, यह डिग्री, जो डिग्री कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रॉन्ग क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री। सो कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है? व्हाट इट डज कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से बड़ा दिखाता है, राइट? ये क्या कहता है? ये कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से अपने आप को बड़ा दिखाता है। जब पॉजिटिव डिग्री से बड़ा दिखाना हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं। लिख सकते हैं कि द कंपैरेटिव The comparative degree denote a higher degree of the quality than the positive.
than the पॉजिटिव. सो पॉजिटिव से बड़ा क्वालिटी बताने के लिए क्या होता है, कंपेरेटिव होता है. इसको कह सकते हो क्या कि इट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड टू थिंग्स आर कंपेयर्ड. जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है. कंपेरेटिव डिग्री है दो चीजों का कंपेरिजन, राइट. अब कह सकते हैं अगर हमने कहा कि अमर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो हम इसको कह सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में कि अमर इज स्ट्रॉन्गर देन रबर. अमर इज स्ट्रॉन्गर देन रमन. अमर क्या है, रमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो हेयर स्ट्रॉन्गर इज द कंपेरेटिव इन ए कंपेरेटिव डिग्री एंड इट इज कंपेयर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अमर इज कंपेयर्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ रमन एंड दिस कंपेरिजन इज डन बाय देम, राइट. नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री, सो व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री करता क्या है. सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसा है, एक ऐसी क्वालिटी को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा क्वालिटी को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है. और ये तब पॉसिबल होता है जब आप दो से अधिक के बीच में कंपेयर करते हैं, किसी भी क्वालिटी को दो से अधिक के बीच में करते हैं, राइट. और एक चीज और इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, उससे पहले एक डिफरेंट आर्टिकल, आप जानते हो डिफरेंट आर्टिकल क्या होता है, द, राइट. सो द जो डिफरेंट आर्टिकल है उसका हम यूज़ करते हैं हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, राइट. सो लिखो इसे, कह सकते हो कि द सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स द हाइएस्ट, यहाँ क्या यहाँ का था हायर डिग्री और यहाँ हाइएस्ट डिग्री और क्वालिटी क्या होता है, ये हाइएस्ट क्वालिटी को, हाइएस्ट डिग्री को बताता है, राइट. इट इज यूज्ड when more than two things are compared, right. एक चीज होता है क्या अभी कहा आर्टिकल के बारे में, तो द डिफरेंट आर्टिकल आर्टिकल कौन सा है, ये द जो डिफरेंट आर्टिकल है ये हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए ना, तो शुड ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर an adjective in the superlative degree.
in the superlative. इन द सुपरलेटिव डिग्री. सो कहते हैं क्या कि जब कभी भी हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. राइट, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. राइट, और तीनों को डिफाइन किया हमने. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ उसको कैसे है. पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो कि किसी जो कि सिंपल फॉर्म है और वह किसी एक ही क्वालिटी को बताता है, वह कंपैरिजन नहीं होता है. राइट, कंपैरेटिव डिग्री है. कंपैरेटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जो कि पॉजिटिव डिग्री से बड़े क्वालिटी को बताता है, बड़ी डिग्री को बताता है. राइट, और इसका क्या होता है? तो यह दो के बीच में कंपेयर होता है. यह इसका कंपैरिजन क्या होता है? क्वालिटी कंपैरिजन किसके बीच में? दो के बीच में करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं, उसकी स्थिति को कहते हैं जब कि यह हाईएस्ट क्वालिटी को बता रहा हो. सो कर रहा हो या डोनेट कर रहा हो किसको? डिनोट कर रहा हो किसको? ये डिनोट कर रहा है किसको? हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट क्वालिटी. राइट, और यह दो से अधिक के मोर देन टू थिंग्स और थिंग्स के बीच में कंपेयर किया जाता है. पर्सन और थिंग्स की क्वालिटी को बताता है. दो मोर देन टू नाउन को कंपेयर करता है. ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, और थिंग्स और नॉन भी कह सकते हैं इसे नॉन भी कह सकते हैं. मोर देन टू नॉन्स आर कंपेयर्ड, मोर देन टू नॉन्स आर कंपेयर्ड. जब दो से अधिक नॉन को कंपेयर कर रहे हैं तब क्या कहता है? वो सुपरलेटिव डिग्री होता है. और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले डिफरेंट आर्टिकल जो द है उसका यूज करते हैं. राइट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे इसी एग्जाम्पल को फॉरवर्ड कैरी करते हैं. तो अंबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ ऑल हिज फ्रेंड. राइट, ऑफ ऑल हिज फ्रेंड, या कह सकते हैं ए स्ट्रॉन्गर बॉय, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय. ठीक है, ऑफ हिज क्लास कुछ भी कह सकते हैं. राइट, सो यह जो एग्जाम्पल हमने दिया था, तीन चीजों को आपने डिफाइन किया फर्स्ट वीडियो में कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को कैसे समझेंगे कि तीनों एडजेक्टिव क्या होता है. सो आई विल बैक विथ द अनदर वीडियो एंड इट विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू.